हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है कंप्लीट वर्ल्ड सिटीजन के लिए, सारे विश्व के लोगों के लिए, जिसका नाम है कि आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट कितने सालों में बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब महारथी, है ना, कितने सालों में बन सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, अभी आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जर्नलिज्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपने प्रिपरेशन शुरू किया। अब आपको नहीं पता है कि आपको कितना साल लगेगा किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने में, या इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने में। कहना ये जो थ्योरी है जो दिया गया है एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट के द्वारा, उन्होंने ये साबित कर दिखाया अपने रिसर्च के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए कितना साल लगता है, वो एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। उन्होंने एक फार्मूला दिया है, आज मैं आप लोगों को वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ। उस फार्मूला के बेस पे आप अपना खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर हैं, इंजीनियर ऑलरेडी हैं, डॉक्टर हैं, है ना, आप किसी फर्म में एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं, जीएम हैं, वीपी हैं, अगर आप कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल फिजिशियन होता है जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, है ना, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर स्पेशलिस्ट बनना हो, किसी एक चीज में महारत हासिल करने हो, तो उस काम में आपको कितना समय लगेगा। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले वो फार्मूला क्या है। उस फार्मूला बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर विद्यार्थी हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एक महीना पहले अपना ब्लॉग शुरू किया है वैभव एकेडमी के नाम पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल में को सब्सक्राइब करिए, उसमें ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, विजिट माई ब्लॉग क्लिक करके भी जा सकते हैं, लिंक को भी क्लिक करके जा सकते हैं, जाइए वहाँ। 16 एग्जाम्स की तैयारी में करा रहा हूँ, 8 हर्डल्स जो पूछा जाता है पूरे वर्ल्ड एग्जाम्स में, वो सारे एग्जाम की तैयारी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको सारा स्टडी मटेरियल वहाँ मिलेगा, प्लस ऑल दोज वेबसाइट जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं हमारे देश में जहाँ की पढ़ाई होती है, फर्दर स्टडीज होती है, उन सब का लिंक वहाँ दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, वहाँ जाइए और उसको आप क्लिक करिए। अगर आप मोबाइल के थ्रू देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो मोबाइल के थ्रू आप हमारे ब्लॉग में वेब वर्सन पर जाइएगा, है ना, और उसके माध्यम से क्लिक करके आप ब्लॉग में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को कि आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो। उस फार्मूला का नाम है, उसको फार्मूला देने से पहले सबसे पहले आपको बता दें, दो चीजें जिंदगी में हमेशा मायने रखती है ना, टैलेंट और स्किल्स। टैलेंट जो है 20%, टैलेंट मतलब इनबॉर्न क्वालिटी, जो गॉड ने दिया कुछ ना कुछ सबको दिया, गॉड ने सबको 20% इनबॉर्न क्वालिटी दी है, 20%। और स्किल्स जो है, हुनर जो है सीखा जाता है लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जीवित हो कुछ ना कुछ सीखते हो, अगर सीखने की इच्छा हुई, चाहत हुई, इंटेंशन, नियत अगर सही हुआ, तो आप जरूर सीखना चाहोगे। अगर आपको जीवन में ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो वो 80% होता है स्किल्स। तो दोनों मिला देंगे तो क्या होगा, 100% हो गया। तो लक जो जिसको हम बोलते हैं ना, वो टैलेंट प्लस स्किल्स होता है, लेकिन लक भी उसी का साथ देता है जो अपने जीवन में सीरियस होता है और सिंसियर होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको याद रखना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी जगह पे आप हो, आप अपने करियर की शुरुआत की हो, चाहे आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो, तो आज इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देख लेना, आपको एकदम एक्सपर्ट बना देगा। कैसे, आज मैं बताता हूँ। तो आपको सीरियस और सिंसियर अपने जिंदगी में होना है। उस फॉर्मूला को कहा जाता है 10,000 आवर्स फॉर्मूला, 10,000 आवर्स, ये रूल 10,000 आवर्स, मतलब 10,000 घंटे का फॉर्मूला इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको दिया है मैल्कॉम ग्लैडवेल ने, इन्होंने मैल्कॉम ग्लैडवेल करके नाम है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, है ना, जिनकी एक बुक आई थी आउटलायर्स, ब्लॉकबस्टर बुक थी, उनकी 3 बुक्स आई, द टिपिंग पॉइंट और ब्लिंक करके 2 बुक्स अर्लियर आई थी, और ये 2008 में ये आउटलायर्स बुक आया था, वो द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका ये दिया गया ये रूल ऑफ थंब फार्मूला है 10,000 आवर्स, कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर उसको एक्सपर्ट बनना है किसी भी फील्ड में, तो 10,000 घंटे कम से कम उसको इन्वेस्ट करना होगा।
किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए। अब ये 10,000 घंटा कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझना है। से फॉर एग्जाम्पल कि आप पर डे एकदम फिक्स करिए, से फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, से फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि 18 आवर्स में पर डे पढ़ सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। ये जितना भी आता है, से फॉर एग्जाम्पल हाँ जितना भी घंटा आता है उसको 10,000 घंटे से डिवाइड करके देखिए, डिवाइडेड बाय 18 आवर्स इंटू 365 डेज, आप ये आएगा आंसर इसका 1.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 1.5 साल। अगर आप 18 घंटे के हिसाब से पर डे मेहनत करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का नीट हो, चाहे ITJEE हो या IAS एग्जाम हो, चाहे क्लैट एग्जाम हो, जर्नलिज्म का AIITEE एग्जाम हो, या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो, अगर आप 18 घंटा करके पढ़ते हो तो आपको 10,000 आवर्स को डिवाइड कर दो 18 आवर्स इंटू 365 डेज, क्या साल का निकलेगा पहले, डिवाइडेड बाई 10,000 आवर्स, आपको 1.5 साल लगेगा किसी भी एग्जाम में मास्टरी, मतलब उस कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 1.5 साल लगेगा। अब इसी को अगर किसी विद्यार्थी बोलता है नहीं सर हम सिर्फ 14-15 घंटा पढ़ सकते हैं, फिर से 365 डेज कर दो इस तरह से, फिर डिवाइड कर दो 10,000 से, जितना आया टोटल मिला के इसका आंसर आएगा कि आपको कम से कम 2 साल लगेगा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 घंटा के आसपास आएगा, 5 × 10 तो 2 ईयर्स के आसपास लगेगा। लेकिन आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप फिल्म स्टार हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, या उसमें और परफेक्शन चाहिए आपको जिंदगी में, से फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल है ना, एनी इंडिविजुअल, तो आपके पास नेचुरल कितना स्टूडेंट चूंकि एकदम से फॉर एग्जाम्पल उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मतलब ऑफिस नहीं जाना है, इसलिए वो 18 घंटा दे सकते हैं, 15 घंटा दे सकता है, 12 घंटा दे सकता है, 10 घंटा। एज अ रूल एक व्यक्ति 5 घंटे 5 आवर्स पर डे दे सकता है इंटू 365 डेज, है ना, तो कितना हुआ 10,000 घंटे को अगर आप 5 आवर्स को 365 से गुना करेंगे तो 1825 घंटा होता है साल का पर ईयर, तो 5.47 ईयर्स। ये जो है एज अ जनरल रूल, रूल ऑफ थंब जिसको बोल सकते हैं आप, एकदम नेचुरल कोई भी व्यक्ति 5 घंटा पर डे अगर दे तो 1 साल में 1825 घंटे दे के 10,000 आवर्स का ये रूल ऑफ थंब है जो डिवाइड कर देंगे, उससे पता चलता है कि 5 साल 47 दिनों में 5 ईयर्स 47 डेज में आप किसी भी फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो, है ना, उस पर आपका कब्जा हो सकता है, मतलब आप अच्छे खासे उस पर राज कर सकते हो, चाहे आप लीडर ही क्यों ना हो। ये रूल ऑफ थंब मैल्कम ग्लैडवेल ने दिया है, है ना, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे, उनकी तीनों बुक्स ब्लॉकबस्टर रही, उसमें से जो जिस बुक में उन्होंने इसका जिक्र किया है 10,000 आवर्स द सक्सेस स्टोरी, है ना, ये एकदम ब्लॉकबस्टर रही थी, आप विकिपीडिया में गूगल सर्च में भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि 10,000 आवर्स सक्सेस स्टोरी, मतलब किसी को भी सफल बनाने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए, किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, इंडिविजुअल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिल्म स्टार हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, किसी भी लेवल पे हो, आपको मिनिमम 10,000 घंटा लगेगा सफल होने में, एक्सपर्ट बनने में, और उसको आप डिवाइड कर लीजिए पर डे नेचुरल वे में 5 घंटा कोई भी दे सकता है, 5 आवर्स को 365 डे से गुना कर लीजिए, 1825 मतलब 1825 घंटे होते हैं साल का, उसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 5.47 ईयर्स आता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को सरल भाषा में 5 साल मिनिमम किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने में लगेगा, हुनर को हासिल करने में लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट कि आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट कितने सालों में बन सकते हैं, और आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं तो आपने भी 5 साल दिया होगा अपने जीवन का, मेहनत की होगी, और ये बात याद रखिए जो सीरियस होगा, सिंसियर होगा, उसी पर यह फॉर्मूला लागू होता है। ऐसा नहीं कि चिल्ली का सपना देखते हुए 5 साल निकाल दिया आप सोचेगा कि आप सफल हो गए, ऐसा नहीं होता है, किसी कीमत पर नहीं होगा।
टैलेंट आपका 20% वर्क करता है, स्किल्स जो आप सीखते हो, लर्निंग नॉलेज प्लस इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सपोजर इक्वल टू लर्निंग, ये आपको 80% हेल्प करता है। दोनों मिलकर लक बनता है, और लक तभी फेवर करता है जब आप सीरियस होते हो, सिंसियर होते हो। इस बात को मेरी कभी नहीं भूलना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना नहीं भूलना अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, और मेरे ब्लॉग पे जाओ। अगर आप स्टूडेंट्स हो, विद्यार्थी हो, ब्लॉग पे जाओ, वैभव एकेडमी के नाम से ब्लॉग है, उस पर क्लिक करो लिंक पे, या विजिट माई ब्लॉग पे जाओ, पढ़ाई करो। 16 एग्जाम्स की तैयारी मैंने शुरुआत करवाई है एक महीना पहले से, आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारे स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी, या ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग के माध्यम से भी। Thank you so much. May God bless you. The happy beginning.